उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी कार्यवाही की है। दरअसल जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की खातिरदारी करने वाले डिप्टी जेलर समेत 5 पुलिस अधिकारियों को योगी सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। गौरतलब है कि पूर्वांचल का डॉन कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी यूपी की बांदा जेल में बंद हैं। बता दें कि बीएसपी के पूर्व विधायक और माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की जेल में खातिरदारी करने वाले डिप्टी जेलर समेत 5 पुलिस अधिकारियों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निलंबित कर दिया है। वहीं इस निलंबन के पीछे की वजह क्या है, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल सोमवार रात को करीब 9 बजे डीएम अनुराग पटेल और एसपी अभिनंदन भारी पुलिस बल के साथ बांदा मंडल कारागार में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें जेल का गेट बंद होने की वजह से तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। ऐसे में इन अधिकारियों को जेल के अंदर अनियमितता की आशंका भी हुई। वहीं अधिकारी जब जेल के अंदर पहुंचे तो उन्हें मुख्तार की बैरक 15 और 16 नंबर में दशहरी आम और कीवी समेत कई सामान मिले। इस दौरान मुख्तार की सुरक्षा में लगे जेल कर्मियों के पास बॉडी कैम भी नहीं मिला। जब इस मामले में मौजूदा डिप्टी जेलर से डीएम और एसपी ने सवाल किए तो उन्होंने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। इस निरीक्षण के बाद डीएम और एसपी ने एक संयुक्त रिपोर्ट मंगलवार को शासन को भेजी, जिसके बाद डीजी जेल आनंद कुमार ने डिप्टी जेलर वीरेश्वर प्रताप सिंह समेत 4 जेल सुरक्षा कर्मी सस्पेंड कर दिए। इस बात की पुष्टि जेलर वीरेंद्र कुमार ने कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, लखनऊ।